तो चिन्नू का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल को कैसे लिखते हैं? हम अपना अंडूर से लिखते हैं। सर्वप्रथम हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसमें अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। ये कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएँ हैं। सर्वप्रथम हम 2 से भाग करते हैं। तो 196 को हमने 2 से भाग किया, कितना आ गया? 98। फिर इसको 2 से भाग किया, भाग गया 4 बार और 9 बार। इसमें फिर आपका 49 में 7 का भाग जा रहा है 7 बार, 7 में 7 का भाग आपका 1 बार। 196 के गुणनखंड क्या आ गया आपके पास? ठीक है, देखिए 2 से नहीं जा रहा, 3 से चेक करना है, 3 से नहीं गया तो 5 से चेक किया, फिर हम 7 पे चले गए। ऐसे क्रमशः आगे बढ़ना है। ठीक है, बेसिक बातें हैं, अभ्यास करेंगे तो आपकी समझ आ जाएगी कि 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार या 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार या इनका गुणा किया कितना आ गया? 14। 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 होता है। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें।